हेलो दोस्तों, ये हमारा कंसील लाइट है। इसके अंदर ये इस टाइप का स्प्रिंग होता है, ये देखो इस टाइप का स्प्रिंग लगता है इसके अंदर, जो हम कंसील्ड बॉक्स के अंदर इसके अंदर लॉक लगाते हैं। जैसे ये कंसील्ड बॉक्स हो गया हमारा, ये देख रहे हो, ये कई प्रकार की होती है। ये ऐसे भी होती है जिसके अंदर ये नट होता है, ये देखो इसके अंदर ये नट है, इसके अंदर नट नहीं है, ठीक है। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि ये जो होल होता है ना, जिसके अंदर हम पाइप डालते हैं, ये पाइप जो का जो होल होता है ये हमेशा ऊपर की होती है, यहाँ नहीं होती। या तो यहाँ यहाँ बीच में हो जाएगी या फिर यहाँ हो जाएगी, पर नीचे नहीं होती। इसमें भी देखो, ये दूसरे वाले जो कंसील्ड बॉक्स है, इसके अंदर ये ऊपर की ओर है, यहाँ नहीं है। तो क्या है कि जब हम कंसील्ड बॉक्स लगाते हैं इस तरह से, कंसील्ड बॉक्स जो हम छत के ऊपर, जब हम कंसील्ड बॉक्स छत में जो जो आरसीसी होती है, तो उसके अंदर हम कंसील्ड बॉक्स को इस तरह से लगाते हैं। फिर उसके बाद जब प्लास्टर होने के बाद, उसके बाद जब हम वायरिंग करने के बाद लाइट को, हम जो लाइट होती है कंसील्ड लाइट, तो इस तरह से हम लगाते हैं। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, इस तरह से ऐसे करके, ये देखो इस तरह से ऐसा करके इस तरह से हम लगाए थे। फिर कुछ दिनों बाद ये लाइट है ना, ऐसे कभी कभी ये स्प्रिंग ढीली होने के बाद, जो लॉक लगा हुआ है ये लॉक ढीली होने के बाद ये सीधे नीचे धीरे कभी ऐसे लटक जाती है, कभी ऐसे लटकी रहती है, तो कभी नीचे ऐसे लटक जाती है, इस तरह से लटकती है, जिससे देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता रहता है। इसके लिए मैंने एक उपाय किया है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पैनल लाइट, जो फाल सीलिंग होती है, तो फाल सीलिंग के अंदर क्या है कि जो लाइट होती है पैनल लाइट एक बार लगने के बाद, वो इस तरह से एक बार लगने के बाद, जैसे फाल सीलिंग ऐसे होती है ना, तो उसमें एक बार इस तरह से लगने के बाद वो कभी भी नीचे आती नहीं, इस तरह से लग जाती है और वो कभी नीचे नहीं आती। जबकि कंसील्ड जो लाइट होती है वो नीचे आ ही जाती है, क्योंकि स्प्रिंग होती है इस बक्से के अंदर, दबाव इस तरह से लगती है स्प्रिंग, देखो ये स्प्रिंग इस तरह से लगती है, ऐसे लगती है। जबकि जो पैनल लाइट की जो फाल सीलिंग होती है, वो लाइट ये स्प्रिंग है जो लॉक है, ये इस तरह ऐसे लगती है। और ये वाली जो होती है जो कंसील्ड बॉक्स में लगती है, तो ये कंसील्ड बॉक्स में ऐसे होती है। इससे क्या होता है कि स्प्रिंग है ना, ये लूज हो जाता है, जिसके कारण ये नीचे आ जाती है। तो इसके लिए हमने एक उपाय किया है, तो जो हमने छत पे पाइप डाला है, तो पहले वो देख लीजिए किस प्रकार से हमने छत पे पाइप डाला है, तो उसके बाद मैं बताऊंगा इसके अंदर लगा के कि किस तरह से हमें लगाएंगे, जिससे ये कंसील्ड लाइट कंसील्ड बॉक्स के नीचे से नहीं आएगी, मतलब नीचे नहीं गिरेगी। ये कंसील्ड बॉक्स है जिसके अंदर ऊपर से ढक्कन लगी है, इसको नीचे करेंगे। पहले इसको नट को खोल लेते हैं, दोनों नट खोल के इसको दूसरी साइड में हम नट लगा के इसको टाइट कर देंगे, अच्छे तरह से इसको टाइट कर देंगे, दोनों साइड पेच लगा देंगे, और जो होल जो जिसमें पाइप डालनी है उसको दूसरी साइड हम कर देंगे। दोनों साइड में पेच टाइट कर देंगे। अब ये जो हमारा होल है वो नीचे साइड आ गया, जो ऊपर साइड में था, और एक बीच में होल है जिसके अंदर हम पाइप डालेंगे। पाइप काट कर हम नीचे साइड में हम इसके अंदर इस तरह से लगा देंगे, और दोनों साइड में हम एक थैली लगा देंगे ताकि मसाला अंदर ना जाए, इस वजह से मिट्टी भर देंगे, और इसमें पाइप डालेंगे सप्लाई की, जो ऊपर जो बीच वाली है ना, इसमें हमने मिट्टी भर दिया, और इसके अंदर हम थैली फंसा देंगे। ये देखो मिट्टी भर दिया हमने और थैली फंसा दिया, ताकि इसके अंदर मसाला ना जाए मसाला डालते वक्त, ठीक है। इसको इस तरह से हम डालेंगे सीधा करके,
चार कंसील्ड बॉक्स हैं, चारों को लगाएंगे। छोटा सा एरिया ही है आपको समझाने के लिए। ये देखो ये पाइप डाल दिए नीचे साइड में, हमने पाइप डाल दिया देखो ये नीचे साइड में, नीचे इस तरह से लगा दिए ताकि इसके अंदर हमारा कंसील्ड लाइट का जो सेपरिंग है इसके अंदर आ जाएगा। इस तरह से हमने पाइप लगा दी, इसमें सरिया कम है, डाट वाली इसके अंदर ईंट लगेगी, डाट वाली जो छत डलने वाली है तो उसी हिसाब से इसमें हमने पाइप डाली है। आपने देखा कि किस तरह से हमने पाइप जो कंसील्ड बॉक्स था उसको हमने ऐसे ना बिछा के हमने ऐसे बिछा, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको नीचे से ऐसे खोल लिया है। अब इसको ऐसे खोल के हम इसको ऐसे डालेंगे, ये जो है ये वाली ये आप देख रहे हो ये नीचे आ गई है, और इसको ऊपर लगा दें। अगर पेच है तो पेच के थ्रू टाइट कर लेंगे, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर इस तरह से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम छत पे पाइप इस तरह से लगा देते हैं, जब हम वायरिंग करते हैं, वायरिंग करने के बाद जब हम लाइट लगाते हैं तो लाइट को हम इस तरह से लगाएंगे, ये देखो इस तरह से लगा के इस तरह से लाइट लगाएंगे। इस तरह से देखो स्प्रिंग इसके अंदर, देखो स्प्रिंग इसके अंदर आ गया, नहीं देखो इसके अंदर ये देखो ये दोनों देखो बिल्कुल फिट हो गई है, अब ये कभी नीचे नहीं आएगी। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर हमने पाइप कैसे लगाए, तो ये देखो इस तरह से इसके अंदर हम कोई भी थैली चाहे कोई कागज़ इसके अंदर ऐसे फंसा देंगे ताकि जो मसाला वो इसके अंदर ना जाए। इस तरह से हम लगाएंगे इसको, इस तरह से लगा रहेगा, इसमें गैप रहेगा स्प्रिंग जाने के लिए, और ये देखो इस तरह से गैप रहेगा इसके अंदर, इस तरह से थैली निकाल लेते हैं। इस तरह से इसके अंदर ये स्प्रिंग आ जाएगी, ये स्प्रिंग आने के बाद ये कभी भी नीचे नहीं आएगी, किसी भी हालत में ये नीचे नहीं आएगी, देखो एकदम फिट बैठी है, और एकदम देखो बिल्कुल ही नीचे नहीं आएगी क्योंकि स्प्रिंग बिल्कुल सीधी है, स्प्रिंग के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं है, जैसे स्प्रिंग थी वैसे की वैसी इसके ऊपर लग गई है। उसके बाद ये कभी भी नीचे, जैसे पैनल लाइट लगती है उसी तरीके से एकदम फिट रहेगी, कभी भी नीचे नहीं आएगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर इस तरह के वीडियो, नॉलेज वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।